हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए लास्ट क्लास हम लोगों ने अपने चैप्टर लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कैसे किसी भी सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है और कैसे हम उस बढ़े हुए बॉइलिंग पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो हमने अपनी दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अभी तक कवर कर ली हैं, एक रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और दूसरी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आज हम वहीं से आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद आर थर्ड प्रॉपर्टी, जिसे हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, या फिर आप इसे क्रायोस्कोपी भी बोलते हो। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को समझने के लिए अगेन आपको सबसे पहले एक तो बेसिक डेफिनेशन समझनी होगी फ्रीजिंग पॉइंट की, और दूसरा आपको ट्रिपल पॉइंट या ट्रिपल फेज डायग्राम में फ्रीजिंग पॉइंट देखना आना चाहिए। तो और सबसे पहले बात करते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो ऑब्वियसली एक डेफिनेशन तो है, वो टेम्परेचर जहां पर सॉलिड या लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन हम टेक्निकल डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, ध्यान देना, फ्रीजिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉलिड। ये आपको सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है लेकिन एक्चुअली ऐसा होता है। अगर आपके पास कोई एक वॉलेटाइल सब्सटेंस है तो उसके लिक्विड का भी कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा और उसके सॉलिड का भी कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा। आओ मैं आपके हम बारीकियों को समझते हैं, हम डेफिनेशन नहीं रट रहे हैं। आप ना समझने पे चीज़ों पे ध्यान दोगे तो आराम से उनको रिलेट भी कर पाओगे। जैसे देखो, आप सभी जानते हो नेफ्थलीन बॉल्स जो होती हैं वो सॉलिड होता है, और ये भी जानते हो आप कि ये क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे सबलाइम होता है, वेपर में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है। तो आप समझो, अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर मैंने एक नेफ्थलीन बॉल रख दी है, डब्बा ये क्लोज कर दिया है, बताओ इस डब्बे में इस नेफ्थलीन की वेपर्स होंगी या फिर नहीं होंगी? होंगी ना। अच्छा चलो, मान लो मैंने इसकी जगह यहां पर सॉलिड CO2 रख दिया, ड्राई आइस जिसे आप बोलते हो, बताओ उसकी वेपर्स यहां पर होंगी या नहीं? बिल्कुल होंगी, है ना। अच्छा, इसकी जगह मैंने सिंपल आइस रख दिया, बताओ उसकी वेपर्स यहां पर होंगी या नहीं होंगी, वाटर वेपर्स? जवाब नहीं आ रहा कुछ भी, अभी तो बहुत जल्दी जल्दी जवाब आ रहा था। होंगी ना, होंगी, बिल्कुल होंगी, लेकिन बहुत कम होंगी, बहुत कम। क्यों? क्योंकि आइस है, सॉलिड है, इसका इवेपोरेशन क्या होगा, बहुत स्लो होगा, बहुत कम होगा। हाँ, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसके इवेपोरेशन की रेट बढ़ेगी, लेकिन ये आप अच्छे समझते हो कि मान लो मेरा टेम्परेचर, मान लिया मैंने एक बार के लिए हम 27 डिग्री या ऐसा करो 0 डिग्री सेल्सियस पे बात कर लेते हैं, या चलो 2 डिग्री सेल्सियस पे बात कर लेते हैं, ठीक, या फिर 0 डिग्री सेल्सियस पे बात कर लो। चलो तो 0 डिग्री सेल्सियस पे मान लो आइस के ऊपर जो वेपर है उसका प्रेशर 10^-3 atm है। कितना है? 10^-3 atm है। और मान लो आपके पास अभी वाटर है, लेट से मान लो 10 डिग्री सेल्सियस पे, तो ऑब्वियसली 10 डिग्री सेल्सियस पर यहां पर क्या होंगी, वाटर की कुछ ना कुछ वेपर्स होंगी। अब मान लो यहां का वाटर का वेपर प्रेशर है 0.5 atm, एक बार के लिए ऐसे ही कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम टेम्परेचर डाउन करना शुरू करेंगे, 10 से 9 8 7 6 5। तो जैसे देखो हम टेम्परेचर डाउन करना शुरू करेंगे, यहां पर वेपर्स का कंडेंसेशन शुरू होगा। तो जैसे ही वेपर्स का कंडेंसेशन शुरू होगा, वाटर के ऊपर वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होना शुरू होगा। 0.5 से मान लो 0.4 हुआ, फिर 0.1 हुआ, फिर 0.01 हुआ, इस तरह से वेपर प्रेशर धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू होगा। तो क्या आप ये समझ सकते हो कि जब हम टेम्परेचर को लगातार डिक्रीज करते जाएंगे, तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब ये वेपर प्रेशर डिक्रीज होकर कितना पहुंच चुका होगा, 10^-3 atm। बोलो क्या एक ऐसा दिन आएगा? और जब ऐसा दिन आएगा तब देखो लिक्विड का वेपर प्रेशर
सॉलिड के प्रेशर पे बराबर हो चुका होगा, मतलब अब इस लिक्विड का किस में कन्वर्जन हो जाएगा, सॉलिड के अंदर कन्वर्जन हो जाएगा। तो सुनने में अटपटा लगता है लेकिन एक्चुअली ऐसा ही होता है। फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन ज़रूर ध्यान रखें, फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहाँ पर एक सॉलिड का वेपर प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। तो ये बात डेफिनेशन की, ये हुई बात विजुलाइजेशन की कि ऐसा कैसे हो सकता है। चलिए जब दोनों ही बात हो गई है तो अब हम चलते हैं ट्रिपल फेज डायग्राम के पास। किसके पास जा रहे हैं? ट्रिपल फेज डायग्राम। तो मैंने आपको ट्रिपल फेज डायग्राम से मैं पहले भी मिलवा चुका हूँ, ध्यान से देखें। ये आपका प्रेशर और टेम्परेचर के बीच ग्राफ है। मैं इसी डेफिनेशन को आपको ट्रिपल फेज डायग्राम पे दिखाना चाहता हूँ, मेरा पर्पस सिर्फ इतना सा है। तो ट्रिपल फेज डायग्राम हम देख रहे हैं वाटर के लिए फॉर द टाइम बीइंग, ये मैंने आपको सिखाया था वाटर के लिए होता है। ये लाइन, ये रीजन कौन सा होता है? सॉलिड। ये रीजन कौन सा होता है? लिक्विड। और ये रीजन होता है गैस, ठीक है। तो आप देखो इस लाइन के अलोंग सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में। तो देखो यहां पर सब सॉलिड है, सॉलिड है। इस लाइन के अलोंग जब आप चल रहे हो तो देखो सॉलिड और गैस इक्विलिब्रियम में है, ठीक। सॉलिड के ऊपर जो वेपर प्रेशर होगा वो सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम की वजह से होगा। सिमिलरली लिक्विड के ऊपर जो वेपर प्रेशर होगा वो लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम से होगा। तो मुझे इस लाइन से कोई लेना देना नहीं है, पहली बात। अब देखो ये लाइन पे इस टेम्परेचर पर सॉलिड का वेपर प्रेशर इतना है, इस टेम्परेचर पर सॉलिड का वेपर प्रेशर इतना है, इस टेम्परेचर पर सॉलिड का वेपर प्रेशर इतना है। सिमिलरली इस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर इतना है, इस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर इतना है। तो अब मेरी बात समझना, जैसे मान लो मैंने लिक्विड के लिए इस टेम्परेचर से शुरू किया और टेम्परेचर को डाउन करना शुरू किया, टेम्परेचर यहाँ था तो वेपर प्रेशर इतना था, और कम किया वेपर प्रेशर कम हुआ, और कम किया वेपर प्रेशर। तो देखो जहाँ पर ये दोनों लाइन्स मिल रही हैं इस पॉइंट पर क्या होगा, आप देख सकते हो सॉलिड और लिक्विड दोनों का वेपर प्रेशर क्या हो चुका होगा, सेम हो चुका होगा। जहां पर ये दोनों ग्राफ मिल रहे हैं, तो मैं वापस से ठीक सा ग्राफ बना देता हूं क्योंकि तो यहां तो फिर मैंने बहुत सी चीज दिखा दी आपको अगेन, तो मैं इंटरेस्टेड हूं सिर्फ इस पार्ट में। ये सॉलिड वाली लाइन थी और इस लाइन का हर पॉइंट एक गिवन टेम्परेचर पर आपको सॉलिड का प्रेशर दिखा रहा है। ये लिक्विड वाली लाइन है, आप टेम्परेचर कम करते जाओगे लिक्विड का वेपर प्रेशर कम होता जाएगा और एक टाइम पर जाकर ये सॉलिड लाइन से मिलेगा। तो ये जो टेम्परेचर होगा इसे हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। देखो क्योंकि यहां पर सॉलिड और लिक्विड दोनों का वेपर प्रेशर क्या हो चुका है? सेम। आप बोलोगे कि सर ये तो ट्रिपल पॉइंट हो गया, ट्रिपल पॉइंट का नाम सुना है ना आप लोगों ने, ट्रिपल पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहां पर तीनों फेज एक साथ को इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती हैं, तो ये ट्रिपल पॉइंट भी होता है। तो हाँ, एक सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट उसके ट्रिपल पॉइंट के बहुत क्लोज ही होता है। बट हाल फिलहाल आप देखें, मैं इस पॉइंट में इंटरेस्टेड हूँ, तो ये सॉलिड वाला कर्व, ये लिक्विड वाला कर्व, और जहाँ दोनों मर्ज हो रहे हैं, जहाँ दोनों मिल रहे हैं, उस पॉइंट पर सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या हो चुका है? सेम हो चुका है। और यही चीज़ किसको डिनोट कर रही होगी? फ्रीजिंग पॉइंट को डिनोट कर रही होगी। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। अब इसके बाद हम ये समझेंगे कि अगर हम देखो, ये ग्राफ था वाटर के लिए, फॉर वाटर, ठीक है। अब अगर मैं इसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दूं, सो इफ इफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू वाटर दैट इज योर सॉल्वेंट, बताओ इसका वेपर प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज होता है, ठीक। यानी जो सोल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से कम होगा। ये चीज़ हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो देखो अब उसी चीज़ को मैं ग्राफ पे दिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। यही ग्राफ मैं वापस प्लॉट कर रहा हूँ, इधर है प्रेशर, इधर है टेम्परेचर, ठीक। वैसे तो आपको नाम से दिख रहा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट कम होने वाला है, पर वो कैसे कम होने वाला है वो आप देखो। यहाँ पर आप देखो, आपके पास यही वही ये वाटर वाला ग्राफ है, ये सॉलिड और ये लिक्विड, ठीक है। ये सॉलिड का ग्राफ है और ये लिक्विड का ग्राफ है, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसके अंदर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर, तो ये प्योर सॉल्वेंट है बेसिकली आपका, प्योर लिक्विड सॉल्वेंट, और ये आपका सॉलिड सॉल्वेंट बन जाएगा। अब आपने क्या किया, इस सॉल्यूशन में, इस प्योर सॉल्वेंट में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, तो जितना हमने सीखा है उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। तो आप मुझे बता दो, अगर मैं यहाँ पर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का ग्राफ बनाऊं, तो
तो इस ग्राफ से ऊपर आएगा या इस ग्राफ से नीचे आएगा? नीचे आएगा। तो देखो इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा क्योंकि इसका वेपर प्रेशर कम होता है, और देखो यहां आके इसको कट करेगा। तो जहां पे प्योर सॉल्वेंट कट कर रहा था वो तो आपको किसका फ्रीजिंग पॉइंट दे रहा है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और जहां ये इस लाइन को कट कर रहा है या टच कर रहा है, बताओ ये आपको किसका फ्रीजिंग पॉइंट दे देगा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दे देगा कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो ये है टीएफ और इसको बोल देते हैं टीएफ नॉट। तो आप मुझे बताओ फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ रहा है या कम हो रहा है? सो ऑन एडिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट डिक्रीजेस एंड दिस डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज टर्म्ड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग। इसी चीज को हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं और हम इसे डेल्टा टीएफ से डिनोट करते हैं। अब आप देख पा रहे हो अगर मैं डेल्टा टीएफ की वैल्यू यहां लिखना चाहूं तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू क्या बन जाएगी? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस क्या बन जाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन भी कौन सा? कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो हम सिंपल डेल्टा टीएफ की वैल्यू किसकी को लिख सकते हैं? टीएफ नॉट माइनस टीएफ। एक चीज। दूसरा, अगर आप बात कर रहे हो एक्वस सॉल्यूशंस की, कौन से सॉल्यूशंस की? एक्वस सॉल्यूशंस की। तो ध्यान दें फॉर एक्वस सॉल्यूशन बताओ सॉल्वेंट कौन होता है? वॉटर। तो एक्वस सॉल्यूशन के लिए टीएफ नॉट जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसलिए ध्यान से देखो अगर ये जीरो है तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो माइनस ऑफ डेल्टा टीएफ के इक्वल आ जाएगा। तो अगर आपने कहीं से डेल्टा टीएफ के लिए कैलकुलेट कर ली है तो उसके आगे माइनस लगा दो, आपको क्या मिल जाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक। उसके अलावा आपको याद होगा आपने डेल्टा टीबी का फॉर्मूला पढ़ा था, तो वैसे ही यहां पर डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला बनता है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू मोलैलिटी। अब हम उसे डिराइव नहीं कर रहे हैं, आप सिंपल इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं और याद रख सकते हैं। वहां फॉर्मूला था डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू मोलैलिटी, यहां पर है डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू मोलैलिटी। यहां पर जो आपका के एफ वाला टर्म है के एफ, इसे हम बोलते हैं मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट। क्या बोलते हैं? मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, या फिर आप इसे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से भी जानते हो। और जैसे वहां KB की वैल्यू होती थी, यहां पर KF की वैल्यू होती है M सॉल्वेंट इंटू R TF स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा H फ्यूजन, क्योंकि यहां पर मेल्टिंग यानी फ्रीजिंग हो रही है तो हम डेल्टा H फ्यूजन यूज करते हैं। तो वहां KB इक्वल टू होता था M सॉल्वेंट इंटू आर टी बी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच वेपरेशन, यहां पर होता है M सॉल्वेंट इंटू आर टी एफ स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच फ्यूजन। कॉपी करो फिर कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूं। चलिए फिर देखिए कुछ और छोटी छोटी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। तो आपने समझ लिया कि हाँ भाई जब भी हम एक प्योर सॉल्वेंट में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है? डिक्रीज होता है। ठीक। अब आप समझे एक और चीज इसी के अंदर कि व्हेन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज कूल्ड, आपने कूलिंग की एक ऐसी सॉल्यूशन जिसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है। जैसे आप समझो मेरे पास
ये पानी है और पानी में मैंने NaCl ऐड किया हुआ, तो NaCl प्लस H2 का एक सोल्यूशन है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तो ये सोल्यूशन है। अब मैंने सोल्यूशन को क्या किया, फ्रीज किया। तो बताओ आपके पास जो फ्रीजिंग होगी ना, फ्रीजिंग जो सोल्यूशन मिलेगा फ्रीजिंग के बाद, ये सोल्यूशन है, ठीक है, सॉलिड। बताओ यहां पर जो फ्रीजिंग हो रही है वो NaCl और H2O दोनों की होगी या फिर सिर्फ NaCl की होगी या फिर सिर्फ H2O की होगी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो। दोनों की होगी। अच्छा बताओ क्या NaCl पानी में डालने पर NaCl लिक्विड बन जाता है क्या? अंदर गैस चला जाता है, मतलब उसको चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेते हैं, है ना? Na प्लस तो रहता ही है ना, वहां पे गायब थोड़ी हो जाता है, समझना मेरी बात को। देखो एक चीज तो मैं आपको समझा दूं, हमने भी ट्रिपल फेस डायग्राम में देख लिया है कि एट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड, अगर आप एक लिक्विड की बात कर रहे हो तो फ्रीजिंग पॉइंट पर एक लिक्विड और सॉलिड किसमें एग्जिस्ट करते हैं, इक्विलिब्रियम पे। किसमें एग्जिस्ट करते हैं, इक्विलिब्रियम पे। यह एक प्योर लिक्विड के लिए, यानी जब आप एक प्योर लिक्विड को फ्रीज करोगे तो जब फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा लिक्विड और सॉलिड दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे होंगे। लेकिन यहां पर NaCl थोड़ी फ्रीज होगा, फ्रीज कौन होता है, सिर्फ H2O। तो यहां पर सॉलिड कौन बचेगा, H2O, और Na प्लस और Cl माइनस आयंस एज इट इज उसके अंदर ट्रैप हो जाएंगे जब वो पूरा सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो या जब तक ये सॉलिड में पूरा सॉलिड में कन्वर्ट नहीं हुआ है, मान लो ये अभी पूरा सॉलिड में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो कुछ पार्ट सॉलिड होगा कुछ पार्ट लिक्विड होगा, आप समझना मेरी बात को। जैसे मान लो इस सॉल्यूशन में कुछ पार्ट सॉलिड है कुछ पार्ट लिक्विड, आप ऐसे समझो कि इतना पार्ट सॉलिड है और इतना पार्ट लिक्विड है, एक बार समझना, ठीक है। NaCl का सॉल्यूशन है तो आप मुझे बता सकते हो NaCl सॉलिड पार्ट में होगा रहना प्रेफर करेगा या लिक्विड पार्ट में रहना प्रेफर करेगा? क्यों क्यों रहना प्रेफर करेगा लिक्विड पार्ट में ही? क्योंकि लिक्विड के अंदर क्या होती है, इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, हाई सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड। तो जितना भी NaCl सॉलिड में होगा वो सब ड्राइव होकर कहां पर आता जाएगा, लिक्विड के अंदर। तो आप समझो सॉलिड जो आप देखोगे सॉलिड पार्ट वो तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, H2O, और जो लिक्विड पार्ट होगा उसमें NaCl प्लस H2O दोनों होंगे। तो जो मैं आपको यहां समझाना चाह रहा हूं, जब आप एक ऐसे सॉल्यूशन को फ्रीज करते हो जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ कौन फ्रीज होता है, सॉल्वेंट फ्रीज होता है। सो व्हेन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज कॉल्ड फ्रीजिंग ऑफ ओनली सॉल्वेंट विल अकर। एक तो यहां पर सिर्फ कौन होगा, सॉलिड H2O होगा, जैसा आप यहां देख पा रहे हो। NaCl तो सारा लिक्विड में जाता जाएगा, मतलब अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पे आ जाएं, एट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बताओ कौन कौन इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा, जो आपका लिक्विड सॉल्यूशन है वो किसके साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा होगा, सॉलिड सॉल्वेंट के साथ। तो आप ये ध्यान रखना, हम जब ऐसे सॉल्यूशन को फ्रीज करते हैं तो सॉल्यूट फ्रीज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ कौन फ्रीज होता है, सॉल्वेंट फ्रीज होता है। तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज इस चीज़ को समझना। जब भी हम ऐसे सॉल्यूशन को फ्रीज करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ सॉल्वेंट फ्रीज होगा। अगर पार्शियल फ्रीजिंग हुई है, कुछ पार्ट सॉलिड है कुछ पार्ट लिक्विड है, तो जितना भी पार्ट सॉलिड है वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ कौन होगा, प्योर सॉल्वेंट होगा। बाकी तो देखो अब क्वेश्चंस हैं, तो इसके ऊपर भी वैसे ही क्वेश्चंस बनते हैं जैसे आपके पास डेल्टा टीबी के ऊपर बने थे।
तो आओ क्वेश्चंस के साथ शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो लिखें आप पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन इज कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन इज 5.4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे कह रहा है कि when 1.15 ग्राम ऑफ नेफ्थलीन इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ बेंजीन the resulting solution freezes at 4.95 degree celsius। ठीक है, आपको kf दिया हुआ है बेंजीन के लिए 5.12। यू हैव टू डिटरमाइन द मोलर मास या मॉलिकुलर मास ऑफ नेफ्थलीन। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये जो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है इनका मेन यूज होता है किसी भी अननोन सब्सटेंस का मॉलिकुलर मास निकालने के लिए। तो ये सबसे मेन काम होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। कॉपी करो जब तक हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स 5% यूरिया एंड 10% ग्लूकोज बाय मास रेस्पेक्टिवली। Determine the freezing point of the solution. Kf दिया हुआ है आपको वाटर के लिए 1.86 केल्विन केजी पर, है ना। देखो वाटर के लिए Kb की वैल्यू होती है 0.512 और Kf की वैल्यू होती है 1.86। वैसे तो हमेशा देगा बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ, कई बार आपको जरूरत पड़ जाती है। और एक और कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन जो मुझे आपको इस पे करवाना है वो है ये। कि 1 kg ऑफ 1 molal एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इज कूल्ड एंड मेंटेन्ड एट -3.534 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ आइस दैट विल बी सेपरेटेड आउट। अगेन Kf की वैल्यू वही 1.86 केल्विन केजी पर मोल फॉर वाटर है। चलिए ट्राई करें तीनों क्वेश्चंस। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन तो बड़े आराम से हो गया होगा, कैलकुलेशन है वो तो हमें करनी पड़ेगी, कंसेप्ट बड़ा आसान है। आपको कह रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन दिया हुआ है 5.4 डिग्री सेल्सियस यानी प्योर सॉल्वेंट का दिया हुआ है और सोल्यूशन का कितना है 4.95। तो डिफरेंस आ गया 0.45 का, है ना, 0.55 का, नहीं 0.45 का। चलिए तो देखो इस सॉल्यूशन के लिए डेल्टा टीएफ की वैल्यू आ गई 0.45, ये हमें दिख रहा है। केएफ आपको बेंजीन का दिया हुआ है 5.12 इंटू मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला था मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट कौन है, नेफ्थलीन, तो नेफ्थलीन का मास है 1.15 डिवाइड बाय इसका मोलर मास अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट।
बेंजीन था 100 ग्राम, यह ग्राम में हमें चाहिए था किलोग्राम में डिवाइडेड बाय 0.1, यहां से हम m की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, हमें अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आंसर मैं आपको बता देता हूं क्या दिया हुआ है। तो जो आपका आंसर है इस वाले क्वेश्चन का, कहां गया भैया, ये रहा 130 आ रहा है, तो आप कैलकुलेट कर लेना 130 दिया हुआ है इसका आंसर। इस तरह देखो, एन एक्वा सोल्यूशन कंटेन्स 5% यूरिया एंड 10% ग्लूकोज। अब देखो इसके अंदर ना दो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। अच्छा, अब ये आपको अब चैप्टर पढ़ते पढ़ते आप सीख चुके होंगे कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट्स कौन है, जितने भी आयनिक सॉलिड्स हैं वो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, ग्लूकोज, यूरिया, शक्कर, ये सभी आपके क्या है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट्स हैं। ठीक है, अभी आप देखोगे एक और टर्म है इथाइलिन ग्लाइकॉल, वो भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होता है, मैं बताने वाला हूँ क्या होता है वो, बट आप इसे समझो। यहाँ आपके पास दो सोल्यूट है तो दोनों की वजह से फ्रीजिंग पॉइंट आएगा, तो जो ओवरऑल डेल्टा टी एफ होगा वो किसके इक्वल होगा, डेल्टा टी एफ ड्यू टू यूरिया प्लस डेल्टा टी एफ ड्यू टू ग्लूकोज। अब आप चाहो तो अलग अलग निकाल लो, आप चाहो तो एक साथ निकाल लो, वो आपकी इच्छा है। तो डेल्टा टी एफ ऑफ यूरिया, भाई अगर आप डेल्टा टी एफ ऑफ यूरिया निकालना चाहते हो तो आप लिखोगे मोलैलिटी और के एफ इंटू मोलैलिटी ऑफ यूरिया। अब ये 5% बाय मास है, मतलब अगर 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 मैं सोल्यूशन का मास 100 ग्राम मान लूं तो ध्यान से देखना, उसमें मास ऑफ यूरिया कितना होगा 5 ग्राम और मास ऑफ सुक्रोज कितना होगा, ग्लूकोज सॉरी, वो होगा 10 ग्राम। और बताओ मास ऑफ सॉल्वेंट जो होगा वाटर, वो होगा 85 ग्राम। तो देखो डेल्टा टी एफ ऑफ यूरिया क्या बनेगा, के एफ इंटू मोलैलिटी ऑफ यूरिया, मोलैलिटी ऑफ यूरिया बनेगी मास ऑफ यूरिया अपॉन मोलर मास ऑफ यूरिया, यूरिया हम जानते हैं NH2CO, मोलर मास होता है 60, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट 85 ग्राम है, ग्राम को बदलो किलोग्राम में तो 1000 आ जाएगा ऊपर, प्लस ग्लूकोज के लिए के एफ तो सेम ही रहेगा भाई, के एफ तो सॉल्वेंट के लिए होता है, तो सॉल्वेंट तो यहाँ पर वाटर है, एक्वा सोल्यूशन लिखा हुआ है, इंटू मोलैलिटी ऑफ ग्लूकोज, तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज क्या होंगे, मास अपॉन मोलर मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। अब आप इन दोनों वैल्यूज को निकाल लो तो आपको डेल्टा टी एफ मिलेगा। ध्यान देना, ये तो डेल्टा टी एफ आएगा, आपको बताना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन होगा वो माइनस डेल्टा टी एफ के बराबर। जब आपके पास एक से ज्यादा सॉल्वेंट्स प्रेजेंट हो तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों को ऐड करना है, तो आप सॉल्व करोगे -3.03 डिग्री सेल्सियस, कितना आ जाएगा आंसर, -3.03 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब आते हैं देखो अपने थर्ड क्वेश्चन पे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं इसके ऊपर। ये कह रहा है 1 kg ऑफ 1 molar एक्वा सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज, तो आपके पास 1 kg ऑफ 1 molar एक्वा सोल्यूशन ऑफ क्या है, सुक्रोज है। ठीक है, इसको कूल करके आपने मेंटेन किया -3.534, आप समझो एक्वा सोल्यूशन है ना, बताओ प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 degree Celsius, आपने इसको जीरो से इतने टेम्परेचर पे कूल किया है तो आपको डेल्टा टी एफ मिल गया है, डेल्टा टी एफ, आपने इसको फ्रीज किया है इतने टेम्परेचर तक, तो यही इसके लिए डेल्टा टी एफ है, पहली चीज 3.534। ठीक है, अब क्या हुआ होगा, जैसे मैंने आपको सिखाया है कि ऑन कूलिंग दिस सोल्यूशन ओनली सॉल्वेंट विल फ्रीज, करेक्ट, सो सम अमाउंट ऑफ वाटर वुड हैव कन्वर्टेड इंटू आइस, वाटर का कुछ मास किस में कन्वर्ट हो गया होगा, आइस में। तो अब मान लो आपके पास कुछ लिक्विड वाटर, देखो पहले तो पता करो इसमें कितना वाटर था, वो कैसे पता करेंगे, दिए गए डेटा से पता करो, 1 kg ऑफ 1 molar एक्वा सोल्यूशन है, तो देखो मास ऑफ सोल्यूशन है 1 kg यानी 1000 ग्राम,
तो मास ऑफ सॉल्वेंट मुझे निकालना है, पता नहीं कितना होगा। अच्छा मोलैलिटी बताओ, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, और अगर आप ग्राम में लिख रहे हो तो इन 2000 और करना पड़ेगा। इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी वन है, वन है। सोल्यूट, सोल्यूट कौन है? सुक्रोज। तो सुक्रोज के मोल्स कितने हैं मुझे नहीं पता, तो उनको एन ही लिख लेता हूँ, एन सोल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। बताओ मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे? मास ऑफ सॉल्वेंट होंगे मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट और इन 2000, है ना। दिमाग ला के सॉल्व करना आपको थोड़ा सा। एक और क्वेश्चन कराऊंगा फिर थोड़ा आसान, पहले ये समझ लो आप। अब आप देखो वन इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 2000 डिवाइडेड बाय, ठीक है, इस चीज को हटा रहा हूं एक बार मैं, ये तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, कैलकुलेशन पार्ट को यहां ला रहा हूं। देखो मास ऑफ सॉल्यूशन है 1000 ग्राम माइनस, देखो मास ऑफ सॉल्यूट को मैं लिख सकता हूं मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू उसका मोलर मास, मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, है ना। तो मास इक्वल टू हो जाएगा मोल्स इनटू मोलर मास। अब इसको आप करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ध्यान से देखो 1000 इनटू माइनस 342 इनटू मोल्स ऑफ सॉल्यूट विल बी इक्वल टू 1000 इनटू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सही है। तो यहां से आप देख सकते हो कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने आ गए हैं, वो आ गए 1000 अपॉन 1342 ग्राम्स, सही है। अब अगर आपको सॉल्यूट के मोल्स मिल गए हैं तो यहां से आप सॉल्यूट का मास निकाल सकते हो, ठीक है। सो इस चीज को मैं यूज कर रहा हूं मास ऑफ सॉल्यूट, बताओ मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा? मोल्स इनटू मोलर मास, ठीक है। तो कैलकुलेशन थोड़ी इसमें डिफिकल्ट कर दी है, कोई बात नहीं, हम भी कम नहीं है, हम पूरा दिमाग ला के सॉल्व कर रहे हैं। सो 342 इनटू 1000 डिवाइडेड बाय 1342, 254.84 है, तो 254.8 ग्राम ले रहा हूँ, यह आ गया सल्यूट का मास। तो बताओ सॉल्वेंट यानी वाटर का मास कितना रहा? तो ये हो गया आपके पास 1000 माइनस 254.8, 745.2 ग्राम वाटर तो इनिशियली था, ये तो है इनिशियली, क्योंकि आपको ये बताना है कि कितना अमाउंट ऑफ आइस सेपरेट आउट होगा। तो अभी तक हमने, अभी तो हम इनिशियल बात कर रहे हैं कि ये जो शुरुआत में आपका सॉल्यूशन था उसमें कितना सॉल्यूट था और कितना सॉल्वेंट था, तो ये कंडीशन आ चुकी है। अब देखो, अब मैं इसको यूज करूंगा, अब मैं सॉल्व करूंगा यहां पे, ये कंडीशन अब यूज करूंगा। अब अगर मैं सॉल्यूशन को फ्रीज करूं, सो आफ्टर फ्रीजिंग लेट x ग्राम ऑफ आइस इज फॉर्म्ड, बताओ अगर x ग्राम आइस फॉर्म हो गई है तो मास ऑफ वाटर लेफ्ट कितना होगा? इतना था, उसमें से x चला गया होगा, 745.2 माइनस x ग्राम होगा। तो बताओ अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता है डेल्टा टीएफ इतना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इस कंडीशन में सॉल्यूशन की मोलैलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो उतने ही बने रहेंगे, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, अब कितना हो जाएगा 745.2 माइनस एक्स, ग्राम में है तो इसको बदलो किलोग्राम में। तो बेसिकली सॉल्वेंट का मास बदलने से सॉल्यूशन की मोलैलिटी बदलेगी। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो आपने निकाले थे, देखो ये रहे, कहां रहे, ये रहे 1000 अपॉन 1342, चाहो तो ऐसा लिख लो या इसकी वैल्यू निकाल देता हूं मैं आपको, 1342, ये वैल्यू है 0.745 अपॉन 745.2 माइनस एक्स इन 2000। अब अगर आपको कहीं से ये मोलैलिटी मिल जाए तो बताओ आप एक्स के लिए निकाल सकते हो। तो देखो मोलैलिटी निकलेगी यहां से, जब आपने इस सॉल्यूशन को इस टेम्परेचर तक फ्रीज किया है तो उससे अमाउंट ऑफ वाटर बदला होगा, और अमाउंट ऑफ वाटर बदलने से क्या होगा, तो देखो डेल्टा टी एफ
इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, के एफ इंटू मोलैलिटी। ये नई मोलैलिटी आएगी, ये नई वाली ही है। तो डेल्टा टी एफ हो गया 3.534, के एफ की वैल्यू है 1.86 इंटू, ये बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके ले देता हूँ अब, तो 745 डिवाइडेड बाय 745.2 माइनस एक्स। अब आप देखो 745.2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1.86 इंटू 745 अपॉन 3.534। तो वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, मैं बताता हूँ आपको, 1.86 इंटू 745 डिवाइडेड बाय 3.534, ये वैल्यू आ रही है 392.1। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 745.2 माइनस 392.1, 353.1 ग्राम। इस सॉल्यूशन को फ्रीज करने पर इतना ग्राम आइस क्या हो चुकी होगी, सेपरेट हो चुकी होगी। तो यहाँ थोड़ा कैलकुलेटिव था, यहाँ आपको स्ट्रेट वैल्यूज नहीं दी हुई है, तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो वैसे ही मैंने सॉल्व किया है। तो मैंने आपको बताया कि शुरुआत में आपको सॉल्यूशन का मास दिया था 1 किलो, तो आपको सॉल्यूशन का मास पता था। पहले आपने उसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट के मासेस निकाले, एनालाइज किया इसको, तो इसमें सॉल्यूट का मास आ गया इतना और सॉल्वेंट का मास आ गया इतना। जैसा हमने सीखा है, सॉल्यूशन को फ्रीज करने पर सॉल्वेंट बाहर निकलेगा, मतलब सॉल्वेंट सॉलिड में कन्वर्ट होगा, यानी वाटर आइस में कन्वर्ट होगा। तो अब वाटर जब फ्रीज होगा तो ऑब्वियसली सॉल्वेंट का मास बदलेगा, तो उसकी मोलैलिटी भी बदलेगी। नई मोलैलिटी हम यहाँ से निकालेंगे और फिर हम मास ऑफ आइस सेपरेटेड कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉपी करो, एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, उससे आपको और क्लैरिटी आएगी। चलिए देखें, अब एक और क्वेश्चन करते हैं इसी कंसेप्ट पे, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। उससे पहले मैं आपको एक और चीज सिखाऊं, एक टर्म होता है एंटी फ्रीज मिक्सचर। एक्चुअली क्या होता है, ये बहुत पुरानी बातें हैं, अब तो नहीं होता ऐसा काम में। पहले क्या होती, ठंडी जगह होती थी, जैसे लद्दाख हो गया ना, कश्मीर हो गया, तो वहाँ पर जो गाड़ियाँ चला करती थी, ट्रक्स वगैरह, तो क्या होता था, जब सर्दी में और टेम्परेचर -30 -40 पहुँच जाता है, तो रेडिएटर में क्या वाटर एज ए कूलेंट काम में आता था, तो इतने कम टेम्परेचर पर वो फ्रीज हो जाता था। और रात को आपने ट्रक खड़ा किया, गाड़ी खड़ी की, वो कूलेंट फ्रीज हो गया, वो दोबारा स्टार्ट ही नहीं होता था। उसके लिए हम क्या करते थे, उस वाटर के अंदर ऐड कर देते थे इथाइलीन ग्लाइकॉल। ये होता है इथाइलीन ग्लाइकॉल, CH2OH, ऑब्वियसली आपने ऑर्गेनिक में पढ़ ही लिया होगा। तो ये एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो ये इथाइलीन ग्लाइकॉल क्या करता है, इट रिड्यूसेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और अब ये उस रेडिएटर के लिक्विड को फ्रीज नहीं होने देता था। तो इसे हम लोग एंटी फ्रीज मिक्सचर के नाम से जानते हैं। तो थियोरेटिकली भी आपको पता होना चाहिए कि एंटी फ्रीज मिक्सचर में कौन होता है, पानी के अंदर हम क्या ऐड कर देते हैं, इथाइलीन ग्लाइकॉल, जो पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देता है। तो इसी बात पे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आइस That will be, या that will separate out so that will separate out on freezing a solution containing 50 gram of ethylene glycol in 200 gram water to -9.3 degree Celsius। Kf दिया हुआ है आपको H2O के लिए, 1.86 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कैलकुलेट करना है आपको और बताना है कि कितनी आइस यहां पर सेपरेट आउट होगी। चलिए तो देखिए,
क्या होगा इस क्वेश्चन में, वही सेम क्वेश्चन है और बड़ी आसानी से आप इसे भी सॉल्व कर सकते हो। देखो कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आइस दैट विल सेपरेट आउट ऑन फ्रीजिंग अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल इन 200 ग्राम वाटर। पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? पिछले क्वेश्चन में आपको सोल्यूट सॉल्वेंट का मास नहीं दिया था, तो पहले आपको इतना काम और करना था, यहाँ वो काम बचा लिया गया है। तभी आप देखो जो आपके पास इनिशियल सॉल्यूशन है, इनिशियल सॉल्यूशन में मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो है 50 ग्राम और मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो है 200 ग्राम। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन को आपने फ्रीज किया है, नाउ इट इज फ्रीज्ड टू -9.3 डिग्री सेल्सियस। देखो एक चीज तो ये पता लग गई आपको कि डेल्टा टीएफ इसके लिए 9.3 हो गया, वेब्स को -9.3 तक फ्रीज कर रहे हो। दूसरा, जब आप -9.3 पर इसको फ्रीज कर रहे होंगे तो बताओ क्या तब भी इसके अंदर 200 ग्राम वाटर ही रहेगा? बिल्कुल नहीं, तब तो कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड वाटर किसमें कन्वर्ट हो चुका होगा? आइस में। तो बताओ अब इस कंडीशन पे जो मास ऑफ सॉल्वेंट बचा होगा वो कितना होगा? 200 - x एज सम अमाउंट ऑफ लिक्विड वाटर विल बी कन्वर्टेड टू आइस, लेट से x ग्राम है। बस अब आप नई मोलैलिटी निकाल लो, तो देखो डेल्टा टी एफ 9.3 विल बी इक्वल टू के एफ इन टू, नई मोलैलिटी क्या होगी? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट तो उतना ही है, तो 50 अपॉन मोलर मास 62 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 200 - x, ग्राम में है इसे बदल दो किलोग्राम में। और अब आप यहां से x निकाल लो, x आ गया तो आपको पता लग जाएगा कि कितना वाटर आइस की फॉर्म में सेपरेट आउट हो चुका होगा। तो इस तरह की कैटेगरी के क्वेश्चन से आपको डील करना आना चाहिए जो आपसे मोलैलिटी के ऊपर पूछे जा सकते हैं। चलिए, आई होप इन दोनों क्वेश्चन से आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि कैसे सॉल्यूशन को फ्रीज करने पर सॉलिड सॉल्वेंट अलग हो जाता है और हम कितना अलग हुआ उसका मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थी आपकी थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसे हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आइए चलते हैं अपनी फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ, जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करते हैं, और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको समझने के लिए हमें पहले एक प्रोसेस को समझना पड़ेगा। उस प्रोसेस का नाम होता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, तो देखें ऑस्मोसिस क्या होता है, एक डायग्राम की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आपके पास ये कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में आपने ये एक लगाई हुई है SPM। क्या लगाई हुई है? SPM। यस, SPM स्टैंड्स फॉर, नाम तो आप लोगों ने स्वयं होगा सुना ही होगा, इसे हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं हम इसे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब देखो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ हम कुछ फिल कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर मैं फिल कर रहा हूं प्योर सॉल्वेंट। क्या फिल कर रहे हैं यहां पर हम? प्योर सॉल्वेंट, सॉरी प्योर सॉल्वेंट नहीं, यहां आप फिल करो और सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, और इस तरफ आप फिल करते हो प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। तो ध्यान से समझना, सिर्फ प्रोसेस समझना आपको और कुछ भी नहीं है। तो यहां मैंने फिल कर दिया है प्योर सॉल्वेंट, आप चाहो तो यहां पर प्योर सॉल्वेंट की जगह
एक सोल्यूशन भर सकते हो जिसे हम डाइल्यूट सोल्यूशन बोलेंगे। और यहां पर आप एक कंसंट्रेटेड सोल्यूशन भी भर सकते हो, ठीक है। ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है इट अलाउज द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट ओनली, यानी ये सोल्यूट को पास होने नहीं देती है, सिर्फ और सिर्फ किसको पास होने होती है, सॉल्वेंट को। तो ये एनिमल सेल मेम्ब्रेन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एसपीएम की प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी एक ही कंपोनेंट को अपने से पास होने देती है, तो ये सिर्फ सॉल्वेंट को अपने थ्रू पास होने देगी। अब क्या होगा, जैसे हम एसपीएम लगाएंगे तो आप समझो बहुत आसान है, कुछ नहीं रटना, आप नॉर्मल जो चीज़ है, देखो केमिस्ट्री में कॉमन सेंस बहुत होता है अगर लगाने जाओ तो। आप समझो दुनिया की कोई भी चीज़ अपनी हाई वैल्यू से लो वैल्यू की तरफ फ्लो करती है, ठीक। प्रेशर हाई प्रेशर, गैस हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर फ्लो करते हैं, ठीक है। बस पैसे छोड़ दो, पैसे कभी भी हाई वैल्यू से लो वैल्यू फ्लो नहीं करते हैं, वो उल्टा भी फ्लो कर जाते हैं, ठीक है। तो उसको अगर हम छोड़ दें तो बाकी आप देखो जनरली चीज़ें अपनी हाई वैल्यू से लो वैल्यू की तरफ फ्लो करती है। तो आप मुझे इस कंडीशन को ऑब्जर्व करके बताओ कि यहाँ पर पहली बात तो ये एक्वा सोल्यूशन है, ठीक है ना, एक्वा सोल्यूशन है तो सॉल्वेंट वाटर है। आप मुझे इतना सा बता दो कि सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा कहाँ है, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में? राइट साइड में। तो अगर सॉल्वेंट राइट साइड में ज्यादा है तो बताओ सॉल्वेंट का फ्लो कहां से कहां होगा, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? राइट टू लेफ्ट किसके थ्रू हो रहा है, इस एसपीएम के थ्रू। तो क्या होगा, जैसे हमने सेटअप किया एसपीएम लगाया, इधर से इधर वाटर मॉलिक्यूल्स का फ्लो शुरू हो जाएगा। ये जो सॉल्वेंट का फ्लो है थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, देखो अगर मैं प्योर सॉल्वेंट की जगह डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लेता तो भी तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में तो वाटर ज्यादा ही होगा और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में वाटर कम होगा। तो वाटर यानी सॉल्वेंट अपने हाई अमाउंट से अपने लो अमाउंट की तरफ फ्लो कर रहा है थ्रू दिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। तो सबसे पहली बात तो ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस इज बेसिकली द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट लिख दो या फिर आप क्या लिख सकते हो, और डाइल्यूट सॉल्यूशन, बेसिकली जहां पर सॉल्वेंट ज्यादा हो, टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, या फिर ब्रैकेट में आप लिख सकते हो और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक। तो थ्रू एन एसपीएम जब ये पास होगा इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो पहली बात तो ऑस्मोसिस क्या होता है, क्लियर है। अब देखो अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, छोटा सा अरेंजमेंट लगा रहा हूँ, आप समझना, मैंने यहाँ पर एक बैरोमीटर लगा दिया, बैरोमीटर तो आप समझते ही हो, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही वाटर का फ्लो यहाँ होना शुरू होगा, इस कॉलम में वाटर क्या होगा, राइज होना शुरू होगा, और ये तब तक राइज होता रहेगा जब तक फाइनली क्या नहीं आ जाता है, इक्विलिब्रियम नहीं आता। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, समझो इधर भी पानी, इधर पानी में कुछ मिला हुआ है, इधर प्योर पानी है, तो पानी तो इधर से इधर भी जा सकता है, इधर से इधर भी आ सकता है। तो क्या होगा, शुरुआत से ही पानी इधर से इधर भी जा रहा होगा, इधर से इधर भी आ रहा होगा, लेकिन क्योंकि पानी का अमाउंट यहाँ ज़्यादा है तो इधर से इधर पानी ज़्यादा जा रहा होगा। जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो दोनों तरफ पानी का फ्लो इक्वल हो जाएगा, जितना पानी इधर जा रहा है उतना ही पानी इधर भी आ रहा है, उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो जब वो कंडीशन आ जाएगी तो यहां पर देखो वाटर का लेवल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तब आप समझ सकते हो इस पूरे सॉल्यूशन पर इस वाटर लिक्विड कॉलम का क्या लग रहा होगा, प्रेशर लग रहा होगा। तो ऑस्मोसिस की वजह से क्या होता है, इस बैरोमीटर में या इस कॉलम में ये वाटर का एक कॉलम बन जाता है एच हाइट का, और ये कॉलम इस लिक्विड की सरफेस पर जो प्रेशर लगाएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखो ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे डिफाइन किया जाता है, अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन लिखें,
तो उसको हम बहुत सिंपल टर्म्स में क्या बोल सकते हैं, दैट इट इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक क्यों? क्योंकि हम वाटर कॉलम की बात कर रहे हैं। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बिल्ट अप ड्यू टू ऑस्मोसिस, ठीक है। और आप इसे कैलकुलेट करना चाहो तो आप रो जी एच लगाकर कैलकुलेट कर सकते हो। एक तरीका ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करने का एक्सपेरिमेंटली, ऐसे आपको कॉलम की हाइट मिल गई और कॉलम की हाइट से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हो। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, देखो अगर आप यहां पर एक पिस्टन लगा के इस कॉलम को वापस नीचे ले आओ तो सॉल्वेंट का फ्लो यहां पे आके ना, ये सॉल्वेंट जो इधर से उधर फ्लो कर रहा था वो रुक जाएगा। अगर आप इतना ही प्रेशर इस वाले साइड पे लगा दो तो जो सॉल्वेंट इधर से मूव करके इधर आ रहा था उसका फ्लो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस, उसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर ही बोलते हैं। तो देखो ऑस्मोसिस समझ में आ गया, ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आ गया, कैसे प्रेशर बिल्टअप हुआ ये भी हमको समझ में आ गया है। फिर एक और बहुत ही कॉमन नाम जो आप लोग हर दिन सुनते हो, RO, रिवर्स ऑस्मोसिस। हर घर में RO काम में आते ही हैं वाटर प्योरिफिकेशन के लिए, तो वो इसी के कंसेप्ट पे काम करता है। आप सोचो अभी तो आपने ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर प्रेशर लगाया है तो अब सॉल्वेंट इधर से इधर मूव नहीं कर पाएगा। अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर लगा दो तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो उल्टा हो जाएगा। जहां वो प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जा रहा था अब वो सॉल्यूशन से किसकी तरफ मूव करना शुरू कर देगा, प्योर सॉल्वेंट की तरफ। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। सो व्हेन प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इज रिवर्स्ड। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। और इसीलिए आपके घर पे जो फिल्टर लगे होते हैं उन्हें RO फिल्टर्स बोलते हैं। और आपने कई बार सुना होगा जब वो खराब हो जाते हैं, जो मैकेनिक आता है बोलता है मेम्ब्रेन खराब हो गई, तो वहां पर क्या होता है, ये फंडा होता है सारा, ये मेम्ब्रेन है, ठीक है। इधर आपके पास जो टैप वाटर आता है, यहां से कनेक्शन है जिसके थ्रू टैप वाटर आ रहा है, तो टैप वाटर एक्चुअली एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन कंटेनिंग इम्प्योरिटीज, इनमें मिनरल्स भी होते हैं और बाकी अर्थली इम्प्योरिटीज भी होती हैं। इस SPM के थ्रू अब यहाँ पर आप इसे पास करते हो प्रेशर लगा के, तो क्या होगा, प्रेशर की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स इस मेम्ब्रेन के थ्रू पास होंगे और इधर आपको क्या मिलता जाएगा, प्योर वाटर मिलता जाएगा। क्योंकि मेम्ब्रेन के थ्रू तो सिर्फ और सिर्फ कौन पास हो सकता है, सॉल्वेंट पास हो सकता है। इस तरह से ये आपका रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस काम करता है। तो ये हमें समझ में आ गया, ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है और रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। फर्दर ऑस्मोटिक प्रेशर का अगर आप फॉर्मूला कैलकुलेट करने चलो तो ये आपको एज इट इज याद रखना है, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पर। फॉर्मूला होता है पाई इक्वल टू CRT। यहां पर R जो है वो आपका वही गैस कांस्टेंट है और इसकी जो वैल्यू आप जनरली यहां यूज करते होती है 0.0821 ATM इनटू लीटर पर केल्विन पर मोल। तो ये यूनिट्स बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी, इस चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है। जब आप इसको यूज कर रहे हो R की वैल्यू ये, तब आपका जो प्रेशर है वो किस में होना चाहिए, ATM के अंदर होना चाहिए। सी वही आपकी कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन है मोल पर लीटर में और टी टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है और किसी भी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा। अभी जो ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हुआ उससे भी दो टर्म्स निकल कर आते हैं, ध्यान देना।
मान लो आपके पास दो सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन है ए और दूसरा सोल्यूशन है बी। मान लो ए का ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई ए, हाँ बोलो, हाँ एक सेकेंड, और बी का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, पाई बी है। चलिए तो मान लो आपके पास दो सोल्यूशन है, सोल्यूशन ए एंड सोल्यूशन बी। ए का ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई ए और बी का ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई बी। ठीक है, आप देखो ऑस्मोटिक प्रेशर है, किसी एक का कम भी हो सकता है, किसी एक का ज़्यादा भी हो सकता है। तो मान लो पाई ए की वैल्यू पाई बी से ज़्यादा है, तो अगर पाई ए पाई बी से ज़्यादा है तो जिस सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा उसे तो हम बोलते हैं हाइपरटोनिक। क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक। और जिसका कम है उसे हम बोलते हैं हाइपोटोनिक। ठीक है, अब आप समझो ये रहा पाई का फॉर्मूला। अगर सेम टेम्परेचर है और पाई ए अगर पाई बी से बड़ा है, दैट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी से क्या होगी, ज्यादा एट सेम टेम्परेचर। बोलो ऐसा होगा। आप मुझे बताओ सॉल्वेंट कहां से कहां मूव करेगा, ऑस्मोसिस कहां से कहां होगा, ए से बी होगा या बी से ए होगा। तो हमने सीखा है ऑस्मोसिस में क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन जहां वाटर ज्यादा है से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ वो मूव करता है। तो देखो इन दोनों में बी वाला सॉल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट, और ये वाला सॉल्यूशन कैसा है, कंसंट्रेटेड। बताओ ऑस्मोसिस विल अकर फ्रॉम बी टू ए, कहां से कहां होगा, बी से लेकर ए तक ऑस्मोसिस होगा। और आप देख चुके हो बी तो हाइपोटोनिक है और एक ऐसा है हाइपरटोनिक है, यानी हम यहां से एक और चीज बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग ऑस्मोसिस हाइपोटोनिक से सॉल्वेंट किधर फ्लो होता है, हाइपरटोनिक की तरफ फ्लो होता है। तो आप इसे स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देना, मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देना कि ड्यूरिंग ऑस्मोसिस सॉल्वेंट फ्लोज फ्रॉम हाइपोटोनिक सोल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो रटने की जरूरत नहीं है, यह आपको पता है कि ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट डाइल्यूट से कंसंट्रेट की तरफ जाता है। ठीक, ये रहा ऑस्मोटिक प्रेशर और ये रहा कंसंट्रेशन का रिलेशन। तो आप हिसाब लगा सकते हो कि हाइपोटोनिक की कंसंट्रेशन कम होगी, हाइपरटोनिक की ज्यादा होगी, तो ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट हाइपो से किधर मूव कर रहा होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ। कॉपी करो, फिर एक और छोटी चीज मैं आपको बताता हूँ थ्योरेटिकल, फिर न्यूमेरिकल यूज तो हम इसके देखते रहेंगे। फिर देखो एक और छोटी सी चीज ऑस्मोसिस के रिगार्डिंग। ऑस्मोसिस हमारे डेली लाइफ में बहुत काम में आता है, ये आप जानते ही हो। पानी में आप किशमिश रख दो तो वो फूल जाती है, चने हम भिगोते हैं, राजमा भिगोते हैं बनाने के लिए, रात भर उसको पानी में डालते हैं, वो सब ऑस्मोसिस है। वाटर क्या होता है, उनके अंदर मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होता है, पास होता है। तो ऐसे ही एक टाइप ऑफ क्वेश्चन आप सामने मिलते हैं। देखिए जो हमारी ह्यूमन ब्लड सेल इसके अंदर 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl होता है। ठीक है, तो NaCl का एक्वा सोल्यूशन हमारी ब्लड सेल के अंदर। तो हमने क्या किया, हमारे ब्लड सेल को लिया और इन ब्लड सेल को हम तीन अलग अलग सोल्यूशंस में डाल देते हैं। तीनों में ही मैंने NaCl का सोल्यूशन लिया है, बस कंसंट्रेशन अलग अलग है। यहां पर जो सोल्यूशन है वो 0.9% वेट बाय वॉल्यूम है, यहां जो कंसंट्रेशन है वो 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl से ज्यादा है, और यहां पर कंसंट्रेशन 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl से कम है। और इस ब्लड सेल को हमने तीनों में डाल दिया है। ठीक है, चलो ब्लड सेल को रेड कलर से दिखा देते हैं। आपको ये बताना है कि किस सॉल्यूशन में ब्लड सेल श्रिंक होगी और किस सॉल्यूशन में ये ब्लड सेल क्या होगी, स्वैलो होगी। ठीक है, फिर इसका न्यूमेरिकल यूज हम लोग नेक्स्ट क्लास देखेंगे, अभी तो सिर्फ थ्योरेटिकल यूज देख लेते हैं। तो आपको ये बताना है कि किस सॉल्यूशन में इसका साइज बढ़ेगा और किस में क्या होगा, कम होगा।
तो इसमें कुछ याद करने वाला नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है भाई। मेम्ब्रेन है, पानी का मूवमेंट होगा। तो अभी आप देखो इस वाले केस में, इस वाले केस में अंदर भी 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन है, बाहर भी। अच्छा अच्छा हुआ, एक और टर्म में समझा दूं आपको, एक टर्म होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, वो सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, सेम सॉल्यूशंस विद सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आप देखो यहां अंदर बाहर दोनों तरफ NaCl की कंसेंट्रेशन सेम है, सोल्यूट भी सेम है। अभी आप आगे देखोगे सोल्यूट बदल जाए तो फिर कंसेंट्रेशन सेम होने पर भी प्रेशर सेम हो जरूरी नहीं है, वो हम देखेंगे, अभी भूल जाओ उस चीज को। अभी देखो दोनों सेम है तो यहां पर कोई फ्लो नहीं रहेगा, तो यहां पर इसका साइज क्या रहने वाला है, सेम। सो इट रिमेन्स सेम। यहां पे आओ, ग्रेटर देन 0.9% वेट बाय वॉल्यूम है, तो अब बाहर वाला सॉल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड और इसके अंदर वाला जो सॉल्यूशन है वो लेस कंसंट्रेटेड, यानी वो डाइल्यूट है। इसका मतलब सेल के अंदर ज्यादा वाटर है और सॉल्यूशन के अंदर जो बाहर वाला सॉल्यूशन उसमें वाटर कम है। तो अब देखो वाटर क्या होगा, सेल से बाहर आएगा इस सॉल्यूशन के अंदर, यानी सेल जो होगी वो क्या होगी, श्रिंक होगी। क्योंकि हमने सीखा है ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट अपनी हाई वैल्यू से लो वैल्यू की तरफ मूव करेगा। तो बाहर वाला सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है, अंदर वाला सॉल्यूशन डाइल्यूट है, तो पानी तो अंदर से बाहर आएगा। यहां देखो बाहर वाला सॉल्यूशन डाइल्यूट है और अंदर वाला सॉल्यूशन कैसा है, कंसंट्रेटेड है। तो अब पानी बाहर से किस में जाएगा, सेल में, और अब यहां पर सेल क्या होगी, स्वेल होगी। तो इस तरह से आप कंसंट्रेशंस कंपेयर करके बता सकते हो कि जो मेम्ब्रेन है वो कहां पर श्रिंक होगी, कहां पर स्वेल होगी और कहां पर साइज में सेम रहेगी। क्लियर है? चलिए, तो ये थी आपकी कुछ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और अब आप अपनी शीट में फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन और अब एक टॉपिक का नाम लिखा हुआ है वेंट ऑफ फैक्टर, उससे पहले कि आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप ट्राई कर लें ताकि अब जो भी आपने पढ़ा है वो आप क्या कर सकते हो, उससे आसानी से डील कर सकते हो। तो आप उन क्वेश्चंस को ट्राई कर लें। आज हम यहीं तक कंप्लीट कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको ऑस्मोटिक प्रेशर पे छोटे मोटे क्वेश्चन कराऊंगा, कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन तो होते नहीं है। उसके बाद हम चलेंगे इस चैप्टर की बैकबोन पर, सबसे इंपॉर्टेंट। मैं आपसे ये बोलूं कि आपने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं अभी तक वो सब इनकम्प्लीट हैं, गलत हैं, तो उसमें क्या गलती है उसको हम ठीक करेंगे, उनको हम कंप्लीट करेंगे और मिलेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म से, इसका नाम होता है वेंट हॉफ फैक्टर। क्या होता है? वेंट हॉफ फैक्टर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहां से आगे कंटिन्यू करते हैं।